10 सितंबर आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, एक ऐसा दिन जो लोगों को सुसाइड जैसे कदम ना उठाने के लिए जागरूक करता है। इसलिए आज हम आपसे सुहासिनी की कहानी शेयर कर रहे हैं। ललन टॉप की व्यूअर हैं, 32 साल की हैं, दिल्ली में रहती हैं फिलहाल। सुहासिनी ने हमें मेल किया और अपनी कहानी बताई। उनका छोटा भाई था, 4 साल पहले वो मुंगा से दिल्ली शिफ्ट हुआ अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, फर्स्ट ईयर में था। कुछ महीने बाद सुहासिनी ने नोटिस किया कि वो बहुत ही ज़्यादा चुप चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, दुखी रहता है। सुहासिनी ने उससे एक दो बार पूछने की कोशिश भी की पर उसने कुछ बोला नहीं। उसके बाद सुहासिनी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सुहासिनी का भाई घंटों घंटों तक खुद को कमरे में बंद रखता था। वो चीज़ें करना जो उसे हमेशा से पसंद थी वो सब उसने छोड़ दिया था। लगभग 1 साल तक ऐसा चला। सुहासिनी बताती हैं कि होली से 1 हफ्ता पहले उसने सुसाइड कर लिया। उनके दिल में हमेशा ये मलाल रहेगा कि उन्होंने और ज़्यादा जानने की कोशिश क्यों नहीं की। इस गिल्ट से निकलने के लिए सुहासिनी ने थेरेपी का सहारा लिया। अब वो थोड़ी बेहतर है। वो चाहती हैं कि हम सुसाइड जैसे मुद्दे पर एक एपिसोड बनाएं, लोगों को ऐसा कदम ना उठाने के लिए जागरूक करें। इसलिए हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से, उनसे जाना कि जब बात सुसाइड की आती है तो आप किस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप खुद ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आपको तुरंत किस तरह की मदद लेनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या बताया। सुसाइड यानी आत्महत्या एक ग्लोबल इशू है, एक कम्युनिटी हेल्थ इशू है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी लेकिन 1 मिनट में लगभग 40 लोग अपनी जान दे देते हैं आत्महत्या के माध्यम से, यानी कि लगभग 7 लाख लोग हर साल पूरी दुनिया में आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 2019 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ने जो सर्वे किया था उसके हिसाब से 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की इंडिया में, और ये प्रदेशों के हिसाब से अलग अलग आंकड़े हैं, कहीं 3% है, कहीं 4% है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में लगभग 13-14% है। सो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग आंकड़े आए थे उस समय पर 2019 में। अभी हमारे पास कोई फ्रेश आंकड़ा उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है 2019 के बाद, लेकिन कई संस्थाओं ने जो अपने लेवल पे कुछ सर्वे किए हैं उससे पता चलता है कि आज की डेट में ये रिस्क, ये जो समस्या है और भी बढ़ चुकी है। लगभग 60% के करीब ये और बढ़, इसमें वृद्धि हुई है। इनफैक्ट 2018 और 19 के बीच में देखें तो 3-4% वृद्धि तो उस समय पर भी सुसाइड पैटर्न में हुई थी। अगर हम और आंकड़ों की तरफ अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि इसका जो एज ग्रुप है वो लगभग 10 साल से लेके, और आप देखेंगे कि 80 साल के लोगों में सुसाइड बिहेवियर देखा जाता है, और जो मीन एज है यानी कि एवरेज एज की अगर बात करें तो लगभग 50 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा, 40 से 50 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा आत्महत्या का पैटर्न दिखाई देने को मिलता है। ये समस्या किसी को भी हो सकती है। हम सब शायद, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रिस्क पर है कि हम भी आत्महत्या या सुसाइड कर सकते हैं। इससे ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको टैबू ना बनाया जाए कि मैं तो कर ही नहीं सकता, बाकी सब कर सकते हैं, और हम ये होते हुए देखते हैं कि ये कैसे फेल होता है। इतने स्ट्रांग लोग जो हमें सीमिंगली स्ट्रांग आई वुड से या सीमिंगली सक्सेसफुल या सीमिंगली दिस एंड दैट, वो उनके अंदर ये व्यवहार हमें देखने को मिल जाता है। तो सभी लोग रिस्क पर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 4-5 ग्रुप पॉपुलेशन के जो ग्रुप हैं वो इस पे ज़्यादा रिस्क पर उस है, यानी कि उनमें ज़्यादा देखने को सुसाइड अटेम्प्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो लोग जिनमें पहले से मनोविकार है, जैसे कि डिप्रेशन जैसी कंडीशन है, उदासीनता, या फिर अल्कोहल अब्यूज बहुत ज़्यादा है, उनमें ये लिंक हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि डिप्रेशन और आत्महत्या, अल्कोहलिज्म और आत्महत्या। इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान जब एकदम से अल्कोहल की जो दुकानें बंद हुई तो एकदम से जो है हमें सुसाइड में वृद्धि देखने को मिली उन लोगों में जो अल्कोहलिक थे, क्योंकि एकदम से विड्रॉ वो नहीं सह पाए। इसी तरीके से वो लोग जिनका कोपिंग कम है, यानी कि जिनका संकट से जूझने की क्षमता जिनमें कम देखी जाती है, वो लोग इम्पल्सिविटी में कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे कि परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाना, पैसों से रिलेटेड समस्या आ जाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाना,
या फिर संबंध टूट जाना या फिर जॉब एकदम से छूट जाना, इस तरह की जो समस्याएं जो एकदम से आती हैं बिना बताए आ जाती हैं, तो कई लोग इम्पल्सिविटी में अपनी जान दे बैठते हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो है उन लोगों का जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं, जैसे कि एलजीबीटी ग्रुप है, या फिर वो लोग हैं जो रिफ्यूजीज हैं, या फिर जो माइग्रेंट्स हैं, उन लोगों में वो ज़्यादा देखा जाता है आत्महत्या का पैटर्न। जो तीसरा जो एक और ग्रुप है जो बहुत ही रिस्क पर है या जिनमें ज़्यादा आत्महत्या देखने को मिलती है, वो है वो लोग जिनकी लाइफ में अमूमन दूसरे लोगों से ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, या फिर जिन्होंने आपदाओं का ज़्यादा सामना किया है, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, नेचुरल आपदाएँ हों या फिर आर्टिफिशियल आपदाएँ हों, या फिर वो लोग जो दुर्व्यवहार का या अब्यूज़ का जिन्होंने सामना किया है, या फिर वो लोग जिन्होंने जो है इस तरह की कंडीशंस सही हैं जहाँ पर जान का खतरा बना हुआ हो, तो उन लोगों में हमें आत्महत्या का पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। सुसाइड या फिर आत्महत्या एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक बिहेवियर है, एकदम से तो नहीं कहा जा सकता कि कौन करेगा या नहीं करेगा, फिर भी कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें हमें सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि मूड का एकदम से बदलाव होना, मूड में कमी आ जाना, या फिर किसी का जो शख्सियत है, किसी की जो व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसमें सडन पैटर्न में चेंज आ जाना, नींद में एकदम से पैटर्न में चेंज आ जाना, या फिर जो इंसान है वो आत्महत्या करने की कोशिश या तैयारी या बातें करने लगे या धमकी देने लगे, या फिर एक एक अलग तरह का व्यवहार एक सेट हमें दिखाई देता है कि ये जो लोग हैं वो जो आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को, या अपने जो जैसे मान लीजिए अपना व्यवसाय है तो उसको समेटना शुरू कर देंगे, उनको जो है दान करना शुरू कर देंगे, अपने दोस्तों यारों से मिलना थोड़ा ज़्यादा करके और उनसे एक तरह से गुड बाय जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देंगे, या फिर अपने कमरे को अचानक से बिल्कुल साफ करके रखना शुरू कर देंगे। तो आपको ये दिमाग में उनके चल रहा है कि अब अपने जो अफेयर्स हैं उनको एक एंड कर दिया जाए, उनको अब ख़त्म कर दिया जाए। ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर कोई इंसान बहुत दबाव में है और एकदम से विड्रॉ कर जाए, अलग हो जाए, अलग थलग रहने लगे, तो तभी भी या चुप हो जाए एकदम से, तो भी ये चिन्ह जो है हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, ऐसे दोस्त एज हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, उनको हमें एक जनरल गाइडलाइन जो है वो ये होनी चाहिए कि उनकी बातें सुने पहले, तो कि उन्हें किस चीज़ की वजह से मरने का मन कर रहा है, किस चीज़ की वजह से उन्हें जीने का, उनके क्या कारण हैं, उनको एकदम से क्रिटिसाइज़ ना करें, उनको गलत ना बोलें, उनकी बातों को गलत ना बोलें, क्योंकि होता है यूजुअली हम लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं उनकी बातें सुनकर, या बोलते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें उन्हें सुनना पड़ेगा। दूसरा चीज़ उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो जीवन के प्रति थोड़ा सा एक प्रगतिशील या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बनाए, उनको बोले कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय प्रेजेंट में अपने काम कंप्लीट करने की कोशिश करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपना ध्यान रखें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपना जो है दिनचर्या को फॉलो करें, एक अपनी जो शैली है, जीवन शैली है, उसमें नींद का पैटर्न, खान पान का, एक्सरसाइज का पैटर्न बनाने की कोशिश करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो दूसरों को रीच आउट करें, दूसरों से बातें करें, उनको प्रोत्साहित करें कि अगर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो उसे ले लिया जाए, उससे संकोच नहीं किया जाए, उससे दूर ना रहा जाए। लेकिन जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन जो हमारी लाइफ लाइन जो हेल्पलाइन है, जो सरकारी हेल्पलाइन है, उसका नंबर अपने पास रखें और उसको अपने लिए और जो आपके घर परिवार में लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनसे शेयर करें अगर ऐसा कभी कुछ होता है। अगर हम सुसाइड या आत्महत्या में प्रोफेशनल हेल्प की बात करें तो काफ़ी सारी हेल्प हमें अवेलेबल है। अगर हम लोग साइकियाट्री की बात करें, यानी मेडिसिन की बात करें, तो ऐसे मूड स्टेबलाइजर यानी कि आपको मूड को अच्छा और आपके अंदर एक एनर्जी लाने के जो है दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिससे कि आपका ध्यान इन विचारों से अलग जा सकता है। लेकिन सिर्फ दवाइयों से इसमें अमूमन जो है हेल्प नहीं मिलती है, आपको इसमें एक मनोचिकित्सक का परामर्श लेना भी बहुत ज़रूरी है। एक मनोचिकित्सक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि व्यवहारिक थेरेपी और सोच की थेरेपी से इन बातों पर केंद्रित करता है कि कौन से ऐसे कारण हैं जो कि पेशेंट को या इंसान को बार बार जो है वो सुसाइड एज एन ऑप्शन यानी कि आत्महत्या ही एक ऐसा
आखिरी रास्ता नजर आने पर मजबूर कर रही है और इन पर वर्कआउट कर इनको सॉल्व किया जाता है। फैमिली थेरेपी यानी कि जिसमें कि परिवार के दूसरे लोगों को भी साथ में मिलाकर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कौन से ऐसे पैटर्न हैं जिससे कि क्लाइंट को एक स्ट्रेस हो रही है और सब लोग आपस में किस तरह का वार्तालाप एक कम्युनिकेशन एक एनवायरनमेंट बना के रखें जिससे कि आत्महत्या जैसा एक ऑप्शन दिमाग में ना आए। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल थेरेपी है यानी कि जो जीवन शैली है वो भी एक बहुत ही कारगर तरीका है सुसाइड को प्रिवेंट करने का यानी कि दूर रखने का। जैसे कि आपकी नींद कैसी है, आपका खान पान कैसा है, आपका एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने लोगों से सोशलाइज कर रहे हैं कि नहीं, दूसरे लोगों से मेल जोल कर रहे हैं कि नहीं, और आप जो है अपने व्यवसाय में प्लेजर वाली जो जो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपको जिन्हें हॉबीज़ बोलते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है उनका कितना आप यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में खुश रहने के लिए। अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनमें वो लक्षण दिख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल मदद लें। आप हमारी स्क्रीन पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स देख रहे हैं जहाँ कॉल कर आप मदद ले सकते हैं। सुसाइड के आंकड़े जो एक्सपर्ट्स ने बताए हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं, इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। अपने परिवार दोस्तों से बात करें, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल मदद ज़रूर लीजिए प्लीज़। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। सेहत पर हमें ऐसे बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं जो अपने आंखों के नीचे बनने वाले काले घेरों यानी कि डार्क सर्कल से परेशान हैं। वो जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे कम कर सकते हैं। उपाय तो हम जानेंगे ही, पर सबसे पहले इनके कारण समझ लेते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा डार्क सर्कल्स की समस्या क्यों होती है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर ज़ेबा ने। डार्क सर्कल्स होने के कई कारण होते हैं। सबसे आम है कि अगर आपके परिवार में माता पिता के डार्क सर्कल्स हैं तो आपको भी होने के चांसेस हैं, यानी कि जेनेटिक। दूसरा कारण है विटामिन सी की कमी, या अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, तब भी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। तीसरा आम कारण है, युवाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये, फ़ोन और लैपटॉप का ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल, वो भी बिना ब्रेक लिए। चौथा कारण है लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आप पानी कम पीते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, स्मोकिंग और शराब ज़्यादा पीते हैं तो आंखों के नीचे कालेपन की समस्या बढ़ जाती है। पांचवा कारण है उम्र। उम्र के साथ आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन पतली हो जाती है और फैट पैड्स कम हो जाते हैं, इस वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। घरेलू नुस्खों की बात करें तो कोई भी घरेलू उपचार इस्तेमाल करने से पहले यह समझना ज़रूरी होता है कि आंखों के नीचे वाली स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, इसलिए इसको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज करने के लिए नारियल का तेल, एलोवेरा जेल या फिर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एलोवेरा जेल को लगाना है और फिर 5 मिनट तक सूखने देना है। उसके बाद आलू को क्रश करके उसका जूस निकालें, रुई को उस पर भिगो कर फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसे आंखों पर लगाएं और 10 से 20 मिनट तक छोड़ दें। दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। अगर घरेलू नुस्खों के बाद भी असर ना दिखे तब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ज़ेबा कहती हैं कि ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर फिर कुछ टेस्ट करके पता करते हैं कि क्या आपको पिगमेंटेशन की समस्या है या फिर अंडर आई हॉलोनेस है, यानी कि गड्ढे, आंखों के नीचे जो गड्ढे हैं उसकी प्रॉब्लम है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको केमिकल पील करवाने के लिए बोल सकते हैं। क्यू स्विच लेज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जैसे कि PRP और मीजोथेरेपी भी की जा सकती है। समझे, अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे जानते हैं कि क्या अंडा खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है,
एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अंडा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, इससे आपको प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मात्रा मिलती है। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अंडा खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद पीला भाग यानी कि जर्दी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकती है। लोग ये भी मानते हैं कि अंडा खाना आपके दिल के लिए अच्छा नहीं होता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर लवलीना नादर से। उन्होंने हमें बताया कि अंडे के पीले और सफ़ेद दोनों भागों को खाना चाहिए। जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है, पर जो अंडे का पीला भाग होता है उसमें लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा अंडे में कैरोटेनॉइड होते हैं जो कि मोतियाबिंद होने से बचाते हैं। अंडे की जर्दी में कोलाइन होता है जो कि आपके लिवर फंक्शन के लिए अच्छा होता है। इतना ही नहीं, अंडे में प्रोटीन, फैट और कैलोरी का परफेक्ट बैलेंस होता है। इसमें एक साथ बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक। इसलिए जब तक आपके डॉक्टर आपको अंडा खाने से मना ना करें तब तक इसे खाने में कोई बुराई नहीं है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।